आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। दोस्तों, YouTube के ऊपर एक वीडियो बहुत है जिसे वायरल हो रहा है। एक मीडिया वाला है जो एक चलती हुई चर्च के अंदर जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही है, लोग विश्वासी लोग इकट्ठे हैं, झुंड बना हुआ, और बिहार का एक वीडियो है। वहाँ पर एक रिपोर्टर आ जाता है और जब ये रिपोर्टर यीशु मसीह के बारे में लोगों को पूछता है और झूठी बातें कहता है कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया है, तुमने तो ये कर लिया वो कर लिया, तरह तरह की बातें वहाँ पर पूछ रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने वहाँ पर उस रिपोर्टर को जवाब दिए, ऐसे ऐसे जवाब दिए, वो रिपोर्टर मुझे लगता है हैरान हो गया होगा कैसा कैसे हो सकता है। बट यीशु मसीह कर सकता है और यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि वो जिंदा है और वो आज भी जिंदा है और आज भी हमें उसके उपकार, उसके काम देखने को मिलते हैं। और बाइबल कहती है विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहूँगा इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सकें, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है और सच्चा है और कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो न्याय करने के लिए आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार पहुँचे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। क्या बोल रहे थे, बोलिए। धर्म परिवर्तन यहाँ कुछ भी नहीं होता है, यहाँ न्यूज में चल रहा है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं, वो सब बात झूठ है भैया, झूठ है। हाँ, झूठ है। यहाँ क्या किया जाता है, कैसे आप लोग नहीं, हम लोग जिम्मे में दिल पानी रखते हैं। हाँ। खाली मैडम जो बोलते हैं वचन हम सुनते हैं। अच्छा। हमारा 20 साल का लड़की है। हाँ। वो लड़की बहुत सीरियस है, उसको 4 बोतल हम ब्लड चढ़ाए, ब्लड चढ़ाए, उसके बाद वो नाक से ब्लड है, बवासीर की बीमारी था। यहाँ आए बहुत आदमी बोला जाइए वहाँ पर जल पोते खाली जिम्मे रखे का प्रश्न होगा अपने ठीक है, मेरा बच्चा ठीक हो गया यहाँ आने से। हाँ, मतलब यहाँ आने से समस्या, हाँ हमारा ठीक हो गया, मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, डॉक्टर ऑपरेशन लिखा, हम नहीं गए डॉक्टर पास। क्या बात कर रहे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन लिखा है, ऑपरेशन कराना है, हम नहीं कराए ऑपरेशन, हमारा बच्चा ठीक हो गया। क्या था आपका, हमको गोड़ हाथ में दर्द करता है बस, यहाँ आए हैं प्रभु के भजन में तो गोड़ हाथ ठीक हो गया, बिना दवाई सुई कर ले, हाथ में दर्द कर रहा था, बिना दवाई सुई ले ले यहाँ बस ठीक हो गया, प्रभु के चरण में आया और ठीक हो गया। कौन है प्रभु यहाँ का, प्रभु है ईश्वर है ऊपर, ईश्वर नाम तो ईसा मसीह का लिया जा रहा है, हाथ इनके लिया जा रहा था, इनके द्वारे सब ठीक हो जाता है। कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है, चालीसों बरस हम उसको बुला लगा लिया है। चलिए, इन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बात में कितना सच्चाई है। यहाँ सिर्फ तेल और पानी फुकवाने से ये लोग कैसे ठीक हो जाते हैं, मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो जाते हैं। कहाँ से आए हैं चाची आप? लखमीनिया से। लखमीनिया से आए हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? चंगा। चंगा क्या होता है? चंगा मतलब दुख हर लेता है परम पिता परमेश्वर, मतलब जो भी दुख रहता है आपका वो चला जाता, चला जाता है, उसको चंगा कहते हैं ना। हाँ। क्या समस्या है आपका? गाय, माँ गाय दूध नहीं दे रहे, आपका गाय दूध नहीं देती है, दे रहते तो उसके लिए आप आ गए हैं इनके पास, मैडम के पास। तो तेल पानी फुका के ले गए तो गाय सही हो गए, मन खराब 5 दिन नहीं करे रहे। हाँ। 7 दिन से बकरी हरा रहे, नहीं मिले रहे, यहाँ तेल पानी लगे, कलेशु बाबा मिल जाता ना बकरी, हमें गवा दबा तो हमारे बकरी मिल गए 7 दिन पर, मतलब खोई हुई बकरी मिल गई और गाय दूध नहीं दे रही थी, मैडम के पास आए तेल पानी फुकवाए उसके बाद गाय दूध देने लगी और खोई हुई बकरी मिल गई, 7 दिन पर। झूठ बात आप बोल, नहीं सच बात, सच मतलब बकरी 7 दिन पर खो गई ना, एक आप हिंदू हैं और ईसा मसीह के नाम ले करके तो आप कैसे, आपका काम कैसे हो जाता है? पता नहीं, परमेश्वर पिता की कृपा होगा, परमेश्वर पिता भगवान ने आपके लिए करेगा कुछ, परमेश्वर पिता भगवान है, ईसा मसीह भगवान है। आपका क्या समस्या था? हम तो बहुत दुखी हैं, एस कमाल से आए हैं, साहेबपुर कमाल से आए हैं, साहेब कमाल से आए हैं, हमको तो डॉक्टर नहीं गच रहा है। हाँ। आज मैं प्रभु का पास आए हैं कि हे प्रभु, सुनते हैं कि प्रभु बहुत दयालु हैं, जब हम विश्वास करेंगे तब, नहीं विश्वास करेंगे तो ये तेल आज जल हमको कोई काम नहीं करेगा, काम नहीं देगा। आप अगर विश्वास करेंगे प्रभु पर तभी आपका जो है काम होगा ना, होगा। क्या समस्या था बताइए? आज हम फर्स्ट डे आए हैं, प्रभु का दया होगा तो जरूर होगा, जब हम प्रभु का विश्वास कर करके जाएंगे इस जगह। क्या समस्या है बताइए लोगों को? बहुत की कहे डॉक्टर हमको कहता है कि इसको बीमारी का हमको पता नहीं है, मतलब जो बीमारी को पता डॉक्टर नहीं लगा सके वो आप यहाँ इस मैडम आपकी बीमारी को पता लगा करके निजात पा देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे प्रभु पर। हाँ, प्रभु पर इस सुबह पर हम विश्वास करते हैं तो जरूर हम चंगा होंगे, तो होंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, कुछ कुछ ठीक हुआ है। हाँ। आपका क्या समस्या था? हमको यही समस्या था, 10 बरस से हमको सर में दर्द था। अच्छा। पूरा बदन में हमको दर्द था। हाँ। बेगूसराय एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो जिसके पास हम नहीं गए हैं। हाँ। थक गए बीमारी से। हाँ। उसके बाद मेरा पति बोला अब हम तुमको इलाज नहीं करा सकते। अच्छा। हमको कहीं से पता चला कि प्रभु यीशु का प्रार्थना होता है, वहाँ जाइएगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। हम विश्वास के साथ आए, आज साल भर से हम डॉक्टर के एक भी हम कैप्सूल नहीं खाए हैं। हाँ। हम चंगा सर से लेकर पांव तक चंगा हो गए, मतलब बिना दवाई खाए आप ठीक हो गए, बिना दवाई खाए चंगा हो गए। हाँ। प्रार्थना से और उनके वचन सुनकर। क्या करना पड़ा? क्या
क्या करना पड़ा पिता के भवन में आए, उसके वचन सुने। जात पात कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। जात पात तो सिर्फ अंधविश्वास है, मानेंगे तो सब एक ही है। आरोप लगता है कि मैडम यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये गलत बात है, आपको गलत सोच मिला है। हम नहीं, मैडम जी कभी नहीं बोले हैं अपना हिंदू धर्म छोड़ दो। नहीं, अपना देवी देवता को भी मानो, जिस पर विश्वास है वो जरूर होगा। मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं की जाती है, सिर्फ जो है तेल पानी फूंक करके दिया जाता है। फूंकते नहीं है, ये गलत बात है। प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं। मतलब आप लोग अपने पास में ही रखे रहते हैं? हाँ, रखे पास में रखे रहते हैं। मतलब ये बात है, जितना भी तेल पानी लाते हैं सब आप अपने पास में ही रखते हैं, सिर्फ मैडम जो बोलती है वो रिपीट करते हैं। जब परमेश्वर काम कर रहा हो तो कोई उसे रोक सकता है क्या? आप कैसे कह सकते हो कि बाइबल कहती है जब पत्रस को पकड़ लिया गया और पत्रस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं? जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो, ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहे तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हाँ, अगर किसी को मसीहियत क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जितनी वर्ल्ड में कुर्बानियां हुई हैं किसी धर्म में नहीं हुई होंगी। लेकिन हमारा मकसद अपने धर्म को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं, किसी को टीज देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे सब प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है वो एक दो पर्चों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी पंजाब में आने वाले समय में एक कमेटी बनने जा रही है, उस कमेटी का नाम एक्शन कमेटी होगा और वो कमेटी पूरे पंजाब में जितने भी लोग मसीह के कारण सताए जाते हैं, सुनो, क्योंकि वो एक्शन कमेटी जो होगी उसका गठन एक हफ्ते के अंदर अंदर हो चुका है, अभी वो अनाउंस हो जाएगी। उसका काम होगा कि जो लोग जिन पर जानबूझ के सताव दिया जा रहा है कि तू फलाने को चर्च में ले गया तो उस पे केस करेंगे, तो मेरी प्रशासन से विनती है, सरकार से भी विनती है कि सोच समझ के किसी एक विश्वासी पर भी केस करना, क्योंकि ये सभी लोग आपको अभी पकड़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि किसी का धर्म परिवर्तन बाय फोर्सफुली नहीं हो रहा। मुझे पता है, आपको पता है, ये मीडिया का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, एक चीज भी छुपी नहीं रहती। तो इतना बड़ा, अगर इतने लोग 50-60 लाख लोग अगर परमेश्वर में आ गए, आपको लगता है कि सबका धर्म परिवर्तन और सबका पैसे देके धर्म परिवर्तन हुआ है? अब एक्शन कमेटी जो बनेगी वो सरकार के साथ और दूसरे धर्म के लोगों के साथ तालमेल बना के उनको समझाएगी कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से आप गुरेज करें, आप बचें, नहीं तो वो स्टेप आपका कामयाब होने नहीं दिया जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। आप लोगों ने प्रार्थना करनी है इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे ये मालूम है मैं कैसे आया हूं। मैं उन लोगों पे गुस्सा नहीं करता हूं जो गालियां निकालते हैं आज क्रिश्चियनिटी को, पता है क्यों? मैं भी उन लोगों की जगह के ऊपर था, मैं भी यही कहता था। मैं तो हर बार ये कहता हूं कि अगर ये हीलिंग, ये मिरेकल्स आपने मुझे तब दिखाए होते जब मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था और मसीह में नहीं था, मैं भी यही कहता कि सब ये खरीदे हुए लोग हैं, ये सब
ये इनकी चाल है, ये सब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कर रहे हैं। मैं भी यही कहता, इसलिए लोग बोलते हैं कि जब वो लोग आपको ऐसा बोलते हैं आप गुस्सा क्यों नहीं करते। मैं कहूँगा मैं क्यों गुस्सा करूं जब मैं भी एक दिन उन्हीं की जगह पे था, मैं उनकी जगह पे था, और तो किसी क्रिश्चियन ने मेरे को प्यार किया तो आज मैं क्रिश्चियन हूं, तो मैं भी उनसे प्यार ही करूंगा। हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी के खिलाफ कोई बदतमीजी नहीं, हमने प्यार किया है करते रहेंगे, पर अपने हक के लिए हमको खड़ा होना भी आता है और हक लेना भी आता है। तो वो एक्शन कमेटी जो होगी वो सब विश्वासियों को, सब पास्टर्स को, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चर्चिस हैं वो सेफ हैं, लेकिन जो छोटी चर्चिस हैं जो 100 मेंबर 200 मेंबर, वो भी अब आराम से बेचिंत हो जाना, वो एक्शन कमेटी आपके लिए काम करेगी, डोंट वरी। तो ये आप भूल जाओ, आने वाले टाइम में प्रशासन सरकार भी ये भूल जाए कि आप किसी भी विश्वासी के कोई भी कंप्लेंट कर देगा कल को कि मेरे को ये बंदा चर्च में लेके गया और उसने कहा अपना ये उतार दे, ये ऐसा कर ले, तो आप उस पे केस कर दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आने वाले समय में, ये पॉसिबल नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा नहीं है। ऐसे कल को मैं उठ के खड़ा होकर बोल दूंगा किसी धर्म के कि फलाने बंदे ने कहा है तू ये सब छोड़ के तू हमारा कुछ डाल ले, तो क्या आप उस पे केस कर दोगे? क्या आप नहीं कर सकते? मेरी फ्री विल है, मैं जहां मर्जी जा सकता हूं, जब मर्जी पकड़ सकता हूं, जब मर्जी छोड़ सकता हूं। हालेलुया, ये मेरा कानून भी मेरे को अधिकार देता है, मेरी ह्यूमैनिटी भी मेरे को अधिकार देती है, मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूं। तो इन्हीं चीजों को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, एक एक्शन कमेटी होगी जहां पे बहुत सारे कम से कम 3,000 से 4,000 पास्टर्स उसमें होंगे, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस उसमें होंगे, बहुत सारे जज उसमें होंगे, बहुत सारे फॉरेनर्स उसमें होंगे, बहुत सारे इंडियंस उसमें होंगे, बहुत सारे लोग उसमें होंगे। वो लोकल कमेटी नहीं होगी, वो इंटरनेशनल लेवल की कमेटी होगी जहां पे इंटरनेशनल लेवल के लोगों को उस कमेटी में जोड़ा जाएगा साथ में, और जो जजेस हैं, जो बड़े बड़े कोर्ट के जजेस रहे हैं, वो सारे जो क्रिश्चियन हैं, जो परमेश्वर में बिलीव करते हैं, वो इस कमेटी में होंगे। तो आने वाले समय में एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है, तो आप इस बात को आपने सोच के रखना है, प्रशासन ने और सरकार ने, कि ऐसा कोई भी कदम आप नहीं उठाएं कि कल को ये कमेटी आपके खिलाफ हो, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। जो काम अभी सरकार कर रही है वो काम से सबका भला हो रहा है, और मेरे ख्याल से विरोधियों को भी शायद ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम इस तरह से संयम बना के रखें और कमेटी बनने का इंतजार करें, और उसके बाद एक्शन का इंतजार करें। वो प्रार्थना करने वाली कमेटी होगी, लॉ जानने वाली कमेटी होगी, पढ़े लिखे लोगों से भी पढ़ी लिखी कमेटी होगी। डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अंकुर नरूला जी की भी बातें सुन ली होगी कि ये जो धर्म और जात की बात करने वाले हैं उनके बारे में अंकुर नरूला जी का क्या कहना है। देन आप लोग को अच्छा लगा अगर ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज देखने के लिए, ताकि हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे लेकर जा सकें। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए चैनल को, ताकि मिलते हैं हम और किसी वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।